आप होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं। होमवर्क करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप लोग होमवर्क नहीं करेंगे और प्रॉपर नहीं रीड करेंगे, मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए पढ़ना, क्योंकि परीक्षा जो है आपको पता है कि अपने समय पर ही होगा। आपको ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने मार्क्स पा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम यूनिट 4.3 का प्रश्न का 10 बताएंगे। कल जो एक प्रश्न बताए थे सेम ऐसा ही प्रश्न संख्या 10 भी लगेंगे। प्रश्न संख्या 10 आपके हैं कि मैसूर और बंगलौर के बीच की दूरी, मैसूर और बंगलौर के बीच की जो दूरी है वो 135 किलोमीटर है। यात्रा करने के लिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है। मतलब अगर एक्सप्रेस गाड़ी से यात्रा करते हैं तो 1 घंटा कम समय लगता है और सवारी गाड़ी से यात्रा करते हैं तो 1 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल बताओ। तो सबसे पहले हम लोग कुल जो दूरी दिया है वो लिखेंगे। ठीक है, कुल दूरी जैसे कल बताया था सेम ऐसा ही होगा। टाइम दिया हुआ है, टाइम हम निकाल लेंगे। दोनों रेलगाड़ी द्वारा 132 है ना, 132 किलोमीटर जाने में लगा समय सवारी गाड़ी द्वारा और 132 किलोमीटर जाने में लगा समय एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा, और दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा। जो एक्स का मान निकलेगा वही आपका आंसर होगा। सबसे पहले लिखेंगे कुल दूरी। कुल दूरी कितना है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स, 132 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 132 किलोमीटर की यात्रा हो रहा है। ठीक है, एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय ले रही है। ठीक है, और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या है 11 किलोमीटर अधिक है किससे, सवारी गाड़ी से। पहले मानेंगे, माना सवारी गाड़ी की चाल यक्स किलोमीटर पर आवर्स। अगर सवारी गाड़ी की चाल यक्स किलोमीटर पर आवर्स है तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, यक्स प्लस किलोमीटर। या दिया है एक्सप्रेस गाड़ी की चाल जो है सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है। ठीक है, 11 किलोमीटर अधिक है, तो अब समय निकालेंगे 132 किलोमीटर जाने में सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय। 132 किलोमीटर जाने में सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। आपका दूरी है 132 किलोमीटर, चाल है 11 घंटा। ठीक है, इसी तरह से अब इसके द्वारा समय लिखेंगे एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर जाने में एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय। एक्सप्रेस गाड़ी जो है 132 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा, ए लेगी 132 बटा एक्स प्लस 11 घंटा। अब आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से है कि एक्सप्रेस गाड़ी पैसेंजर गाड़ी से 1 घंटा
कम समय लेती है। अधिक समय कौन लेती है? पैसेंजर गाड़ी। कम समय कौन लेती है? एक्सप्रेस गाड़ी। दोनों में कितने का अंतर है? 1 आवर्स। आप लिख देंगे 132 बट्टा x प्लस 11 इक्वल 1। ठीक है, 132 दोनों में है तो लसा ले सकते हैं, 1 बट्टा x माइनस 1 बट्टा x प्लस 11 इक्वल 1। इस दोनों में हम एलसीएम ले लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो x प्लस 11 माइनस x इक्वल 1 132। ठीक है, ए और ए कट गया, क्या बचा? 11 अपॉन x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल। ठीक है, तो यह गुणा करें x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल 132 गुणे 11, x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल 11 गुणा 22, 9 बार गुणा कर दिए हैं, त्रिया गुणा। ठीक, अब इसी को क्या करना है, हमको फैक्टर करना है। अब तो आप लोग हल कर लेंगे, हल हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल 0। 1452 का ऐसा आपको फैक्टर करना है कि घटाने में क्या है, घटाने पर आपका 14 आए। 1452 का ऐसा फैक्टर करना है, घटाने में क्या है, करें 1452, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दुना 4, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, इन्हीं का मैं 3, 3 दुना 6, इन्हीं का मैं 3, 11 11 गुना 22 गुना 44 11 गुना 4। ठीक है, 11 गुना 37 11 4 44 गुणे 37। अब 44 में से अगर हम 37 घटा देंगे क्या होगा, 1 11, मतलब बीच में क्या रखेंगे करेंगे तो 11 गुना 22 गुना 44 हो गया, 11 गुना 37 हो गया। 44 गुना 37 करेंगे तो आपका 1452 आएगा, 44 में 33 घटाएंगे 11 आएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 44 माइनस 33। ठीक है, माइनस चार्ज हो ही नहीं सकता है गाड़ी की, इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा हम लेंगे x माइनस 33 बराबर 0 x इक्वल 33 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, x का मान क्या माने सवारी गाड़ी की चाहते, यहाँ क्या लिखेंगे, सवारी
Bihari Bija. Kira-kira 35 किलोमीटर पर आवर्स एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी है? एक्सप्रेस गाड़ी की कितना हो जाएगा? 35 प्लस 11 इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर्स। समझ में आई बात? कोई भी अगर चाल संबंधित प्रश्न आए तो कुल दूरी पहले आप वो लिखो, जो भी चाल हो। अगर मान लिया एक्सप्रेस गाड़ी की चाल भी मान सकते थे, एक्सप्रेस का एक्स मानते तो सवारी का एक्स माइनस 11 हो जाता, तब भी आपका सही होता। ठीक है, दोनों में कोई भी मान सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो मान लेंगे उसको जाने में लगा समय दोनों के द्वारा निकाल लेंगे और समय में क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, वो एक हो जाएगा, इसको हल करके हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब अगला देखो प्रश्न संख्या 11 बता रहे हैं। ठीक है, 11 हम लोग करने जा रहे हैं, थोड़ा से से दिखा दीजिए तो आप रेल करेंगे। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 पढ़ाने जा रहे हैं। आप इस पे ध्यान दें, इस तरह के प्रश्न बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या आपका 11 है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 668 है, यदि उनके परिणामों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं बताएं। प्रश्न है, लिखने रहे हैं पहले, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है, यदि उनके परिणाम
वर्ग की परिमाप फोर एक्स, दूसरे वर्ग की परिमाप ये क्या होगा फोर वाई, और रिगार्डिंग टू क्वेश्चंस लिखेंगे। प्रश्न क्या कर रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 हो जाएगा। और अगला क्या कह रहा है, उनकी भुजा यदि उनके परिमापों का अंतर मतलब 4x माइनस 4y टेरिमीटर है, परिमापों का अंतर कितना है 24 है, 4 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस y इक्वल 24, x माइनस y इक्वल 24 अपॉन 4 या x माइनस y इक्वल 4 सीजा। बात समझ में आई, देखो स्पष्ट यहाँ दिया हुआ है दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग और उनके परिमापों का योग, क्षेत्रफल का योग लिख दिए परिमापों का योग। अब इसी दोनों की सहायता से क्या करना है, हमको सवाल हल करना है। ठीक है, देखें अगर इसके ज्यादा हम करना चाहें तो x माइनस वाई बराबर 6 है, x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई। ठीक है, अथवा ऐसे भी कर सकते हैं x माइनस 6 इक्वल वाई या y बराबर x माइनस 6। अब यह y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान 1 में y का मान क्या करेंगे हम एक में रखेंगे, यहाँ क्या है x स्क्वायर प्लस y कितना है y स्क्वायर, y जब कितना लिखेंगे x माइनस y स्क्वायर बराबर 468। फार्मूला से x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 6 गुना 12x प्लस 38 इक्वल 400। फार्मूला ए लगाए हैं सूत्र, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है, देखो इसका स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 6 2 6 12, यहाँ पे बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 सभी को एक ग्राम कर दो तो x स्क्वायर 12x प्लस। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस अब घटा दीजिए आप लोग 468 में से 36। ठीक है, यहाँ 2 आया, यहाँ 3, यहाँ कितना हो गया माइनस हो रहा ना 432। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि माइनस जो है ज्यादा घटाएंगे तो माइनस इसका ज्यादा है, इसी को क्या करना है आपको फैक्टर करना है। ठीक है ना, इसी को हमको फैक्टर करना है, चाहे तो इसमें दो आप कॉमन ले लें, ये हो जाएगा एक्स माइनस 6x माइनस 2 गुना 4 दो कमे 2 6 12। ऐसा फैक्टर कैसे करेंगे, 216 को ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने की कितना है माइनस है ना, घटाने पे आपका 6 आए, इसका प्राइम फैक्टर निकालिए 216 का, 2 2 2
तीन तीन ठीक है, दो गुणे दो, तीन गुणे तीन। अब ऐसा इसको ग्रुपिंग बताइए कि घटाने पे छह है, ग्रुपिंग क्या होगा? ऐसा आपको ग्रुपिंग बताना है कि घटाने पे कितना है, छह है, क्या होगा? तीन त्रिक नौ दुना अठारह, दो दुना चार तीन बारह, अठारह गुण बारह दो सौ, देखो तीन त्रिक नौ दुना अठारह और तीन दुना छ दुना बारह, अठारह से बारह करेंगे तो क्या आएगा, छ। यहाँ क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस अठारह माइनस बारह एक्स माइनस दो सौ सोलह इक्वल जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस अठारह एक्स प्लस बारह एक्स माइनस दो सौ सोलह इक्वल, ठीक है, एक्स कामन ले लेंगे तो एक्स माइनस अठारह, बारह कामन लेंगे तो एक्स माइनस अठारह इक्वल जीरो, ठीक है, एक्स माइनस अठारह एक्स प्लस बारह। एक बार हम लोग x माइनस अठारह इक्वल जीरो करेंगे तो x इक्वल अठारह हो गया, ठीक है, मतलब पहली बार की ऊर्जा क्या हो गया, अठारह, पहली बार की ऊर्जा अठारह, ठीक है, पहली बार की ऊर्जा कितना आ गया, दूसरी बार ऊर्जा कैसे निकालेंगे, इसमें आप लोग लिखेंगे, ठीक है, वाई बराबर क्या है, एक्स माइनस सिक्स या अठारह माइनस सिक्स इक्वल बारह मात्र यूनिट, ठीक ना, ध्यान दें अगर किसी सवाल में मात्रक ना लिखा हो, मीटर वर्ग मीटर सेंटीमीटर ये सब नहीं लिखा हो तो हम लोग क्या लिख देंगे, यूनिट लिख देंगे अथवा मात्रक लिख देंगे। इस तरह से आज आपका 4.3 का एक प्रश्न समाप्त हो गया, फिर हम लोग कल जो है 4.4 शुरू करेंगे। आपका होमवर्क यही है कि 4.3 का आप लोग पूरा प्रश्न फेयर पे करके और व्हाट्सएप पे जरूर भेज देंगे, हम चेक कर लेंगे, ओके।